तुम लोगों को पता है ज्यादा खाने पीने से ना मोटे हो जाते हैं, और कभी तुम लोगों को दाना चाहिए तो कभी पानी, मोटे हो जाओगे। अरे बेटा इनसे बातें कर रही हो? अम्मी वाह भाई, इनसे बातें करोगी ना ये खुश होंगे और फिर दुआ देंगे तुम्हें बेटा। अम्मी वो तो ठीक है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक मोर खरीद ले। या अल्लाह बेटा, ये तुमसे संभल नहीं रहे और मोर खरीदने की बात कर रही हो, और मोर मेरा बच्चा पैसों से आते हैं, पैसों से। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कामिल मामू को कहते हैं वो ऐसे लेके आ जाएंगे। अच्छा कामिल मामू से? कामिल मामू मामू हैं, तुम्हारे अब्बा जान नहीं। अगर अब्बा होते तो हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाते ना। हाँ शायद। अच्छा ये फिजा कहाँ है, नजर नहीं आ रही? पता नहीं, बुला के लाती हूँ। बुला के ला। मेरी बच्चियों के लिए बहुत सारी दुआएं करना। तो बस पहुंचने वाला हूँ, बोल दिया ना, प्रॉमिस। ओके बाय बाय। क्या हो गया, ये बावलों की तरह क्या चीज ढूंढ रहे हो? गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा हूँ मैं। गाड़ी की चाबी? मगर इतवार को कहाँ जा रहे हो? काम से जाना है मुझे। अरे कहाँ काम से जा रहे हो, कुछ पता तो चले। आप भी ना, बाल की खाल निकालने में लग जाती हैं। अच्छा मुझे पता है चाबी कहाँ है। आवाज नीचे रख के बात करो मुझसे, पहले बताओ कि जा कहाँ रहे हो। अच्छा अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, किसी को ट्यूशन देनी। ट्यूशन देने? मगर क्यों दे रहे हो ट्यूशन? अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है तो दूसरी नौकरी करने की क्या जरूरत है? वो एक्चुअली एक्स्ट्रा पैसे बन जाएंगे ना। हमेशा गलत बात करते हो, चाबी दे रही हूँ तुम्हें लेकिन मुझसे वादा करो कि वक्त पर घर वापस आओगे, मुझे बहुत सी चीजें मंगवानी है, ये लो मेरी प्यारी। हेलो ओके मैं चलता हूँ। ओके बस चलता। चाय बनी हुई है। अच्छा मुझे बताएं भाई कहाँ गया है? भाई यूनिवर्सिटी गया है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, दिमाग खराब हो गया इसका। यूनिवर्सिटी गए? मां मुझे तो कोई चक्कर लगता है। क्या मतलब? अरे भाई कोई लड़की का चक्कर और क्या? शक तो मुझे भी हो रहा है कि इतना तैयार होकर क्यों गया है। देखे ना कितना बन ठन के गया है। अम्मा कोई ना कोई तो बात है जरूर। चलो ये रास्ता तो मैं मालूम कर लूंगी, और मेरे साथ किचन में चलो, जरा चाय नाश्ता तैयार करो। ओहो, ये तुम कपड़े चेंज करके कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही। यूनिवर्सिटी? अच्छा तो फिर ये भी बता दो किस पे बिजलियां गिराने का इरादा है। कहा तो है किसी से मिलने नहीं जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। झूठी। क्या मतलब है? मतलब तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही। तुम्हें कोई बेवकूफ बना सकता है? तुम तो ऑलरेडी बेवकूफ हो। अच्छा तो फिर ठीक है। अम्मी तुम? अम्मी ओफो क्यों चीख रही हो? है
क्या हो रहा है यहाँ? नहीं अम्मी, मैंने तो शोर नहीं मचाया। अच्छा, तुम्हारे फरिश्ते चीख रहे थे? अम्मी वो ना, वो ना। क्या मुंह मुंह लगा रखी है? और फिजा, ये तैयारी किस बात की भाई? वो अम्मी वो कुछ नहीं, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी? आज इतवार के दिन? हाँ, वो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस थी। एक्स्ट्रा क्लासेस? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इतवार को तो यूनिवर्सिटी बंद होती है। अब अम्मी यूनिवर्सिटी तो पूरा हफ्ता ही खुली होती है ना। अरे अम्मी, आपको नहीं पता आज यूनिवर्सिटी सिर्फ फिजा के लिए खुल रही है। तुम्हें कहा है ना बीच में ना बोला करो, मैं उससे बात कर रही हूँ। तो मजाक कर रही है, इसकी तो आदत ही है मजाक करने की। मजाक कर रही है? अच्छा, मुसलसल किसका फोन आ रहा है भाई? अम्मी कोई नहीं, ऐसी अननोन नंबर है। अननोन है? अच्छा, अननोन का नाम फराज लिखा रहा है। कौन है ये फराज? अम्मी वो मैंने गलती से सेव कर दिया था नंबर। इसको बेवकूफ बना रही है, मुझे या अपने आप को? अम्मी चुप करो। तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ये क्या मामला चल रहा है? अम्मी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कोई मामला नहीं चल रहा। मेरी तरफ देख कर बात करो। बताओ मुझे क्या मामला है ये? मेरी तरफ देखो। आजर, आजर, अल्लाह क्या करूं मैं तुम्हारा बेटा, कभी तो इन गैजेट्स की दुनिया से बाहर भी आ जाया करो। कोई काम है क्या मॉम? काम तो होता ही है जिंदगी के साथ, काम के बगैर तो जिंदगी अधूरी है बेटा। तो क्या हुआ बोले ना। वो तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया था, कोई जवाब नहीं आया। फिलहाल तो नहीं। भाई देखो फराज को कितनी अच्छी जॉब मिल गई है। वो बचपन से जॉब कर रहा है, आई मीन वो स्टडीज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता था। तुम भी कुछ सोचो अपने बारे में। जरूरत क्या है वैसे मुझे सोचने की, डैड हैं तो हर महीने वो इतने पैसे भेज देते हैं जितने की जरूरत होती है। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम पूरी जिंदगी उन्हीं पे डिपेंडेंट रहो? मैं डिपेंडेंट होने की बात नहीं कर रहा, अभी मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं क्यों नहीं करूंगा। ये तो नामुमकिन होने वाली बात है ना मॉम। आप देख लीजिएगा ये दुनिया मेरे हिसाब से ही चलेगी। अच्छा, अल्लाह करे जरूर मिले। प्लीज मेरा एक काम कर दो, आज 5 तारीख हो गई है, किराएदारों से किराया ले आओ नीचे से। ओके मॉम, आप परेशान ना, मैं भी नीचे जाके ना रेंट लेके आता हूँ। सही, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम फिजा, क्या हाल? अरे क्या हुआ भाई, रो क्यों रही हो? आपने कुछ कहा है?
ऐसी क्या कयामत टूट पड़ी है कि आंसुओं की झड़ी लग गई है? क्या हुआ मुझे बताओ, फिजा बताओ क्या बात है? कुछ नहीं कामिल, कुछ नहीं काय से, इसे सिर्फ ये पूछा है कि किसकी कॉल थी। फोन? फोन दो मुझे। ये तो मुझे पता चल गया है कि जो भी तुम्हें फोन कर रहा है उसका नाम फराज है और तुम उसको जानती भी हो अच्छी तरह, क्योंकि 16 मिस कॉल्स हैं और रिसीव कॉल भी हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये कौन है और क्या चाहता है। मामू मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आप प्रॉमिस करें हम गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा नहीं करने की बात होगी तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन अगर गुस्सा करने की बात होगी तो मैं गुस्सा करूंगा। बताओ कामिल, ये कुछ नहीं बताएगी, बिल्कुल कुछ नहीं बताएगी। मैं हया से पूछती हूँ, मुझे बताओ ये किससे बात कर रही थी? अम्मी भला मैं कैसे बता सकती हूँ, जबकि मुझे तो फिजा ने कुछ भी नहीं बता रखा। तुम बहन की चोरी छुपा रही हो, आराम से मुझे बता दो कि ये किससे बात कर रही थी, वरना तुम मुझे जानती हो। अम्मी मैं कसम से झूठ नहीं बोल रही, मुझे वाकई फिजा ने फराज के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ। कौन है फराज बताओ। अम्मी मैं और फराज। हाँ बताओ, आगे बताओ, तुम और फराज आगे बताओ ना। बाबू मैं और फराज, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। फराज बिल ले लेना, कल जमा करा देना। कह दिया ना जमा करा दूंगा। बेटा याद से करवा देना, वरना वो औरत मेरा दिमाग खराब कर देगी, वैसे ही पागल कर देती है। मैं इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ, मुझसे प्लीज कोई बात ना करे। क्या बात है, ना तुम्हारा बात करने का मूड है ना ही बिल जमा कराने का, वजह क्या है? मेरा दिमाग। प्लीज मुझसे बात ना करे, मैं टेंशन में हूँ अभी बहुत। किस बात का टेंशन है तुम्हें? अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम इतवार के दिन किससे मिलने गए थे? गया था किसी से मिलने। कौन है? है कोई? नाम पूछ सकती हूँ मैं? किसका? क्या समझ रहे हो तुम, मैं अंधी हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा? ये तुम्हारे बदले हुए रंग ढंग, जिस तरह तुम घोड़े पे उड़ते हुए घर से बाहर जाते हो ना, सब देख रही हूँ मैं। सच सच बताओ क्या चक्कर है? एक मिनट एक मिनट, ये क्या चल रहा है? प्लीज मुझे समझाएं ये चल क्या रहा है। यही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि ये क्या चल रहा है। कौन है वो लड़की? मुझे एक बात बताएं अम्मी, आपको नहीं लगता कि मेरी शादी की उम्र हो चुकी है? या मेरे अल्लाह, कितने तो बेशरम हो तुम, जवान बहन घर में और तुम शादी की बातें कर रहे हो। आप प्लीज उसकी टेंशन ना लें, उसकी भी शादी हो जाएगी और मेरी शादी कराने में क्या हर्ज है आपको? क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने खुद अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली? या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? कौन है वो लड़की, कौन है जिसने मेरी कमाऊ कूद को फंसाया? बताओ बताओ ना। क्या हो गया मी, क्यों इतना शोर मचाया हुआ? देखो देखो, तुम्हारे भाई ने अपनी नई लड़की भी पसंद कर ली और हमें बताया तक नहीं। मेरे दिल में कितने अरमान थे, एक ही बेटा है मेरा, मैं इसके लिए खुद लड़की ढूंढती, इसकी बहुत धूमधाम से शादी कराती, लेकिन ये तो देखा देखा मी, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि कोई ना कोई गड़बड़ है। एक मिनट, आप चाहती क्या? आप ये चाहती हैं कि मैं जिंदगी भर कवारा रह जाऊं? अरे शर्म करो शर्म करो, बहन का ही ख्याल कर लेते कुछ। ये उन भाइयों में से कहां कि जिन्हें बहनों की परवाह। मैं आपको एक बात बताऊं, वो बहुत अच्छी लड़की है, समझदार भी है, खूबसूरत भी है, और सबसे बड़ी बात आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करेगी। अरे रहने दो, बहुत ज्यादा इज्जत करेगी, तुमने कौन सी इज्जत कर ली? तुम मुझे दिखा देते, बात करवा देते, खुद पसंद करके आ गए। छोड़े अम्मी आप। अम्मी फराज के घर वाले इस रिश्ते पर राजी हैं? मुझे नहीं पता मामू,
कब से चल रहा है सब कुछ? मैं फराज को एक साल से जानती हूँ। अच्छा, एक साल से जानती हूँ, तो ये जान पहचान दोस्ती और मोहब्बत में कब तब्दील हुई? वो भी कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ। फिजा, तुमने सोच कैसे लिया कि तुम अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला ऐसे अकेले कर लोगी हैं? हमू एक अच्छा लड़का। बस कर दो अच्छा लड़का। ऐसे अच्छे लड़कों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इनका काम होता है शरीफ घराने की लड़कियों को बेवकूफ बनाना। वो आखिर मुझसे शादी करना चाहता है। अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है ना, तो उसके साथ बाहर मिलने की कोई जरूरत नहीं है। शरीफ घराने की लड़कियों के ये लक्षण नहीं होते, समझा इसको? तुम देख रहे हो कम, ये तुमसे किस तरह दो बदू बात कर रही है, कितनी तेजी है इसके जबान में। तुम्हारे कहने पर मैंने इसे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया था, मैं इस हक में बिल्कुल नहीं थी, अब भुगतो तो। अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मुझे फराज से ही उम्मीद नहीं थी। बहुत दुखी किया इसने मुझे। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कोई ऐसा कदम उठाओगे कि मुझे शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। अरे, ये सब करने से पहले अपनी माँ बहन के बारे में भी कुछ सोच लेते। मैंने ऐसा क्या कर दिया अम्मी जो आप इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं? तुमने तो कुछ सोचा ही नहीं हमारे बारे में। फराज, मुझे यकीन नहीं कि तुम इतने खुदगर्ज बन जाओगे, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, अपनी मोहब्बत के बारे में सोचोगे। तो ठीक है, मुझे ही खुद कुछ करना होगा। अगर आप लोग मेरे रिश्ते के लिए नहीं जाएंगे तो मुझे कोई ना कोई कदम उठाना होगा। अच्छा, तो क्या करोगे तुम, मुझे भी कुछ पता चले। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। भाई, क्यों परेशान कर रहे हैं आप अम्मी को, और ये किस बात की धमकियां दे रहे हैं आप? फिर अम्मी क्यों फिजा को खुशी खुशी अपनी बहू बनाने पे राजी नहीं हो रही? अगर आप दोनों खुशी खुशी जाके मेरा रिश्ता मांगेंगे, फिर मुझे ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों धमकियां दे रहे हो मुझे, अपनी माँ को ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप दोनों को। क्या समझा, क्या समझाना चाह रहे हो मुझे? कि मैं उन लोगों के घर जाऊँ जिन लोगों के बारे में मैं कुछ जानती नहीं, कैसे लोग हैं वो, क्या बैकग्राउंड है उनका, और वो लड़की जिसे मैंने देखा तक नहीं, उसका रिश्ता भी मांगने जाऊं? कभी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप वहां जाएंगी, मेल जोल बढ़ेगा, तभी तो वाकफियत बढ़ेगी ना। देखो, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं उन अनजान लोगों के घर रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। तो फिर ठीक है, मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। आप लोग गलत सोच रहे हैं, मैं आपकी फिजा हूं, मैं आपको कैसे शर्मिंदा कर सकती हूँ? क्या आप लोगों को अपनी तबीयत में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा? और रही बात मेरी शादी की, तो ठीक है मामू, मैं फराज से शादी नहीं करती, लेकिन फिर मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। इसको ना, इसको हर बात पता थी, छुपाई है इसने मुझसे। क्या करूं मैं कामिल? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही है कि वो दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं और एक दूसरे के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो आप क्यों नहीं राजी हो जाते? क्या चाहती हो, मैं जानते बूझते उन्हें अंधे कुएं में धकेल दूं, आग में झुलसने के लिए छोड़ दूं, ये चाहती हो तुम? आप यकीनन हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही समझ, कभी कभी हम जिसको आग समझते हैं ना, वो आग नहीं होती,
महज आपकी तपिश होती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी तपिश भी इंसान को झुलसाने के लिए काफी होती है। जरूरी तो नहीं है ना कि जैसा आप सोच रहे हैं वही हो। हो सकता है फराज फिजा को बहुत खुश रखे। फराज हो या सरफराज, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। जब तक मैं उससे मिल ना लूं, खासतौर पर उसके खानदान से, मैं कोई फैसला नहीं करूंगा। एक बार मिलने से आप इंसान के अंदर झांक नहीं सकते, उसकी अच्छाई बुराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं देख सकता, लेकिन अंदाजा तो लगा सकता हूँ, और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। मैंने अपना फैसला सुना दिया, बस करो। लॉन की लाइट्स ऑफ कर दे, सूरज सर पे आ गया है। पागल औरत है, हर वक्त बक बक करती रहती है। चुप कर जाए, सुन लेगी वो, आ जाएगी लड़ने के लिए नीचे पे। तो सुन लेगी तो क्या होगा, मैं कोई कम हूँ क्या लड़ने में? ठीक कर दूंगी इसको। आहिस्ता बोले अम्मी। अच्छा तुम क्यों डर रही हो, तुम्हारी कौन सी सास बनने जा रही है? कभी भी वो मकान किराए पर नहीं लेना चाहिए, उसका मालिक मकान सर पर हो। जिंदगी अजाब कर रखी है इस औरत ने हमारी। दफा करो इस औरत को, इसके बारे में तो मुझसे बात ही नहीं करो। इस वक्त तो मुझे फराज की फिक्र हो रही है। सारा कसूर आपका है अम्मी जान। अच्छा तो मैंने उससे कहा था कि घटिया इलाके की लड़की से इश्क करे, दिल दे बैठे। तो फिर जब आप भाई की यूनिवर्सिटी में उनकी जासूसी के लिए जाती थी, जब नजर नहीं आई थी आपको ये लड़की? आई थी नजर, मगर इतनी मासूम सी शरीफ सी बन के मेरे सामने आई थी कि मुझे तो जरा बराबर भी शक नहीं हुआ कि फराज और उसका चक्कर चल रहा है। मी जान आप मान ले ये बात, जो छोटे घराने की लड़कियां होती है ना, ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसलिए लेती है कि लड़कों को फंसाया जा सके। बस तुम अल्लाह से दुआ करो कि फराज को मुंह की खानी पड़े। फिजा के मामू फराज की वो दुर्गत बनाए कि फराज के सर पे जो इश्क का भूत सवार है ना, वो हवा हो जाए। नहीं क्या हो रहा होगा, तुम और मेरा दिल दहलाओ। तुमसे तो बैठ के बात करना ही बेकार है, बस अपने बेटे की फिक्र लगी हुई है इनको। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। फराज पहले एक बात का जवाब दो, तुम लोग यूनिवर्सिटी इश्क लड़ाने जाते हो या तालीम हासिल करने? नहीं नहीं बताओ मुझे, ये आजकल का बहुत बड़ा आलमी है। तुम लोग जैसे नौजवान यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन इसलिए लेते कि वहां जाकर इश्क लड़ा सके, और तुमने भी यही किया। जहां देखी शरीफ घराने की मासूम लड़की, उसको अपने जाल में फंसा लिया। बताओ यही किया ना तुमने? है तुम्हारे पास इस बात का जवाब? बताओ मुझे, देखो इधर।
जी बिल्कुल, मैं और फिजा एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हमने पढ़ा भी। सर मुझे आपकी सिचुएशन का बिल्कुल अंदाजा है, मैं कदर भी करता हूँ इस बात की। बचपन से आपने फिजा को पाला पाप बन के, उसे कभी कमी महसूस नहीं होनी थी, बहुत ख्याल रखा है आपने उसका। और फिजा की यूनिवर्सिटी की जिद भी आप ही ने पूरी की, उसके तालीमी अखराजात भी आप ही ने बर्दाश्त की। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता हम खुद अपनी मर्जी से अपने लिए शरीक हयात चुन सकें? सर एक और सवाल है मेरा आपसे, अगर आपको इस बात की तसल्ली हो जाए और यकीन भी आ जाए, मैं और फिजा शादी के बाद बहुत ज्यादा खुश रह सकते, फिर भी आप लोग हमारी शादी नहीं कर पाएंगे? पता नहीं किस किस्म के जाहिल लोग हैं, घर को सरकारी दफ्तर समझा हुआ है, दफ्तर वाले भी अपने दफ्तर का कुछ ख्याल करते हैं, इन माँ बेटियों को तो बनने संवरने के अलावा कुछ नहीं आता। औजर हर वक्त ये गेम खेलते रहते हो, मेरी बात सुनो। सुना भी है मैंने क्या कहा है? मॉम आपके पास कहने के लिए होता क्या है, वही किराएदारों की बातें सुन रहा हूं मैं जो आप बोल रही हैं। और लॉन का हाल देखा है, सारी घास सूखी हुई है, इनको तो कोई एहसास ही नहीं है। मॉम मैंने फराज को पानी देते देखा था अभी कुछ अरसा पहले। फराज के पास कौन सा टाइम है, सुबह जाता है रात को आता है। मेरे ख्याल से वो छुट्टी का ही दिन था। हाँ अभी जो लास्ट छुट्टी आई थी ना उसमें। छुट्टी का दिन आज भी है, लाइटें मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के बंद करवाई हैं। और लॉन का तुम हाल देख लो ना, ये घास में टहलती रहती है हीले पहन के, उसका सत्यानाश कर दिया। लाइटों का देखने दे। सर तो जान छुड़ानी पड़ेगी भाई। हो तो गई है लाइटें बंद, क्या हो गया अब आपको? सही है सब कुछ। और लॉन को पानी कौन देगा, सारी घास सूखी हुई है, सत्यानाश कर दिया उन्होंने मेरे घास का। अच्छा 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 मेरी बात सुने, फिक्र नहीं करें मैं अभी नीचे जाता हूँ लॉन को पानी देता हूँ। आप क्यों फिक्र कर रही हैं इतना, रिलैक्स करें भाई मैं हूं ना। अच्छा उन जाहिल माँ बेटियों को ये कह देना कि सैंडल पहन के मेरे लॉन में ना वॉक किया करें। ओके बाबा डन, मैं उनको कह दूंगा कि सैंडल पहन के वॉक ना करें, फ्लैट्स पहन के वॉक किया करें। तुम्हें बस हर वक्त मजाक ही सुनता रहता है, कभी माँ को सीरियसली भी ले लिया करो। मैं भिजवा रहा हूँ मेट से चाय आपके लिए, बैठे। मैं मानता हूं कि तुमने कोई मायूब काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। चलो मैं ये भी मान लेता हूं कि तुम वाकई फिजा से शादी करना चाहते हो और संजीदा हो, इसके बावजूद तुम्हें अपने वालदैन के साथ यहां आना चाहिए था। हमें क्या पता कि वो इस रिश्ते से खुश हैं या नहीं। काश अगर मेरे वालिद हयात होते आज तो जरूर मेरे साथ आते। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपनी वालदा को लेके आ सकता हूं। हाँ बेटा तुम अपनी वालदा को जरूर ला सकते हो। रुक जाइए आप। मामू से मिलने गया या माउंट एवरेस्ट सर करने? दो घंटे हुए फराज को गए, अभी तक वापस ही नहीं आया। खूब जी हुजूरी हो रही होगी ना मामू चांद की। बाय द वे वो लोग हैं क्या, मार्टिन क्वार्टर के स्कूल के हेडमास्टर हैं और बनते इतना बड़ा है कि पता नहीं क्या है जैसे। अच्छा बस करो, मेरा सर वैसे ही दर्द से पटा जा रहा है, तुम मुझे और गुस्सा दिला रही हो। तो क्यों सर चढ़ाया था अपने भाई को इतना? अच्छा जाओ देखो आ गया फराज यार, जाओ जाओ जाओ। एक तो आपका बेटा, अरे जाओ ना। तुम्हारी सारी बातें ठीक है लेकिन उसके बावजूद
लड़की वाला होने के नाते हम तुम्हारी इंक्वायरी जरूर करवाएंगे। बिल्कुल सर, जैसे आपको सेटिस्फेक्शन। अम्मी जान, अम्मी आजर आए हैं पौधों को पानी डालने के लिए। क्यों, क्या हुआ है पौधों को, ठीक तो है? जी बिल्कुल ठीक है पौधे, बस थोड़ा सूख गए, लग रहा हो जैसे डाइटिंग पर है। तुम्हारी तरह बड़ा मजाक करते हैं तुम। आप लोग भी तो करते हैं पौधों के साथ जो पानी नहीं डालते उन्हें। नहीं तो बल्कि हम तो बहुत ख्याल रखते हैं इन पौधों का। क्यों अम्मी जान? नजर आ रहा है वो। सुनो, पौधों का इतना ख्याल करते हो, कभी अपने किराएदारों का भी ख्याल कर लिया करो। कामिर, लड़का मुझे पसंद आया है, बहुत साफ गो है। हाँ भाई, मुझे तो सब बहुत अच्छे लगे, साफ बात है। बड़ा जिम्मेदार किस्म का लड़का है। हाँ, उसने फिजा को बताया था कि वो किराए के मकान में रहता है और अपनी माँ और बहन का वाहिद सहारा है। हो गया आप लोगों का, अब मेरी बात सुन लीजिए। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। मैंने दुनिया देखी, ऐसे फ्रॉड लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे तो डर है, पता नहीं उसे अपने घर में भी ये बात बताई है या नहीं। अरे नहीं मामू। बस करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ। वैसे भी बच्चियां इन मामलात में नहीं बोलती। मैं पहले पूरी इंक्वायरी करूंगा, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। लड़का क्या करता है, जात पात क्या है, खानदान क्या है, ऐसी किसी अनजान को लड़की का हाथ तो नहीं पकड़ा देंगे ना हम लोग। तुम ठीक कह रहे हो कामिल, बिल्कुल ठीक है। हमें छानबीन करनी चाहिए, मालूमात लेनी चाहिए। अरे अम्मी किस तरह की मालूमात, वो दो साल से पिता के साथ पढ़ रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, चुप रहो तुम। एक तो इस घर में हर आदमी अकलमंद है, सिर्फ मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुमसे कह रहा हूँ पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी।